नाइन्थ क्लास है। नाइन्थ क्लास के बारे में पढ़ चुके थे कि हाँ भाई स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसी टाइप से डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने एक कंसेप्ट ये देखा था हमने कि हाँ भाई अगर छोटा डिस्टेंस है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और अगर एक लॉन्गेस्ट पाथ है तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसी टाइप से एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे इस टाइप से कि कोई एक मैन है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा है अपने होम से, ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है उसने, और ईस्ट डायरेक्शन में गया वो 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर वो ईस्ट में गया, इसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ा वो, और मुड़ने के बाद वो 8 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन में गया। ठीक है, तो हम वहाँ डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने वो बतानी है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको बताना है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तुम चारों डायरेक्शन में सर्कल बनाकर देख लेंगे कि हाँ भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देख लिया पहले डायरेक्शन का। अब हम देख रहे हैं कि जो मैन है उसने कहाँ, मान लीजिए उसका यहाँ से स्टार्ट करा फिर चलना, और कितना है वो 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर वो नॉर्थ यानी ईस्ट में इस टाइप से बता। ठीक है, 6 किलोमीटर, और यहाँ जाने के बाद उसने क्या काम किया, फिर वो लेफ्ट में मुड़ा। ठीक है, अगर वो ऐसे जा रहा था उसका चेहरा इस टाइप से था, तो अगर वो इधर मुड़ता तो राइट में है। ठीक है, और अगर वो ऐसा मुड़ जाए तो उसका मतलब क्या, वो लेफ्ट में है। ठीक है, तो वो राइट में इस टाइप से तो गया नहीं है। ठीक है, इस टाइप से यानी कि राइट तो गया नहीं है, वो कहाँ गया है, वो हमारे को ऊपर की ओर गया, लेफ्ट में, ए लेफ्ट इस टाइप से। कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर। ठीक, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम बतानी है। तो हम अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ, डिस्टेंस में हम केवल एलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दिए होंगे डायरेक्ट, दो छोड़ डिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ते हैं, ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो 6 किलोमीटर ये और 8 किलोमीटर ये, यानी 6 किलोमीटर और प्लस 8 किलोमीटर, तो कितना हमारे पास 14 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, 14 किलोमीटर हो गई। ठीक है, केवल सिंपल है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं, जितने भी है उन वैल्यू को ना सोल्व कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम विद डायरेक्शन मिलते हैं, विद डायरेक्शन। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 किलोमीटर हमारे पास है, ये 8 किलोमीटर है, तो एक टाइप से ऐसा मान सकते हैं इसे कि ये हमारे पास वेक्टर डायरेक्शन है, ये वेक्टर डायरेक्शन है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अगर हम इससे रियल टाइम इस टाइप से निकलेगा, अगर कहीं पर भी एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 6th 7th में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो ये रियल टाइम पे हुआ, तो कैसे निकलता है, तो हमारे याद इस टाइप से ट्रायंगल का कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर, तो रहेगा वहाँ पर 36, फिर रहेगा 64, यानी कि रहेगा वहाँ पर 100 h² या हम इसका अंडरवुड लेंगे तो कितना आ गया 10 किलोमीटर, यानी जो रियल टेंट आ गया हाइपोटेन्यूज वो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये रियल टेंट होगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो इस टाइप से है। ठीक है, ये तो हम सिंपल पढ़ाते कि हम ये बेस है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इस टाइप से, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारे पास ही आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है, अधिकतम वैल्यू आ रही है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक कम वैल्यू, कम से कम इसका जाना ये हो सकता है इस टाइप से, और अधिक से अधिक वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। तो इसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस टाइप से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मैंने इस टाइप से एक ही साइड दोनों को एक बार में लिख दिया है, क्योंकि दोनों को ज़्यादा एकदम सोन हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस वगैरह एक टाइप से लिख सकते हैं, तो यूनिफॉर्म का मीन्स होता है एक सौ। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स होता है मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और उसने क्या काम किया, उसने 1 सेकेंड में वो हमारे पास 2 मीटर आगे इस टाइप से। ठीक है, ये सभी पॉइंट पर,
इसके बाद फिर एक सेकेंड और आया, ठीक है, उसमें फिर 2 मिनट और चला हुआ इस टाइप से, फिर एक सेकेंड और आया उसमें फिर 2 मिनट चला इस टाइप से, इस टाइप से। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यानी हम ये देखें कि पहला जो 1 सेकंड था, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड था हमारे पास, पहला 1 सेकंड, 1 सेकंड उसकी डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। और अब आगे 1 सेकंड तो पहले से